हेलो दोस्तों, मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चलते हैं हिंदी के टेस्ट के नेक्स्ट टेस्ट पर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जैसे कि सामने लिखा हुआ है, कवित्री का संशोधित रूप क्या है ना? तो कवित्री या कवित्री, ये ध्यान रखना। इसमें यहाँ में भी छुट्टी की मात्रा होती है। इसके बाद देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, है ना? कौन सा इसमें से वाक्य शुद्ध है? चार आदमी के लिए खाना बना दो, चार आदमियों के लिए। हमें मालूम है वचन एक होता है लिंग वचन कारक। वचन मतलब संख्या के आधार पर हमें उसका, है ना, एक वचन से बहुवचन बनाना पड़ता है संज्ञा का। तो इसमें कितने आदमी है? चार। तो चार के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा? आदमियों, बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चार आदमियों के लिए खाना बना दो, चार आदमी नहीं बोल सकते हम, या तो बोलेंगे आदमी के लिए खाना बना दो। तो एक, अगर हम एक से ज्यादा दो भी लिखते हैं तब भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? आदमियों, है ना? तो चार आदमियों के लिए खाना बना दो, इसमें ये सही होगा। ये गलत है क्योंकि इसमें वचन की कमी है। ये क्यों गलत है? इसमें भी वचन की गलती है ना? इसका आंसर होगा बी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सीता को गाना चाहिए, यह वाक्य है। अब मैंने बोला था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं। विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, संकेत, इच्छा। तो जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है वहां बोलते हैं विधिवाचक वाक्य, है ना? किसी भी वाक्य में जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य है विधिवाचक, क्योंकि इसमें होना पाया जा रहा है कि गाना चाहिए, है ना? अगर सीता को नहीं गाना चाहिए ऐसा होता तो क्या हो जाता है? निषेध वाचक, ठीक है ना? विनम्रता सूचक, विनम्रता की किसी है, कृपया ऐसा काम कर दीजिए, इस टाइप से पता चल जाता है ना? इसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है? अब बताइए कौन सा समास हो सकता है? तो जिसमें अव्यय होते हैं दो, जैसे प्रति, धीरे धीरे, बे, ला, जैसे लापरवाह है ना, बेपरवाह, ये सब अव्ययीभाव समास होते हैं, है ना? धीरे धीरे, पल पल, क्षण क्षण, जब दो सेम शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। घर घर, द्वार द्वार, क्षण क्षण, है ना? और या फिर जिसके पहले कुछ अव्यय हो, प्रतिक्षण, है ना, इस टाइप की। आपको बताया है, मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, आप देख सकते हो, उससे समझ में आ जाएंगे क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, है ना, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी, है ना? क्योंकि इसमें मैंने बोला था जब भी एक मात्रा हो, एक मात्रा हो तो इसका मतलब कोई भी एक मात्रा हो किसी शब्द में, गुण संधि होती है। लेकिन दो मात्रा आ जाए, चाहे वो औ की हो या फिर आय की, कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखना, कैसे क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस शब्द के में ऊपर एक मात्रा है गुण संधि होगी, और दो मात्रा है तो वृद्धि होगी। बस, तो इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। अब मैंने क्या बताया, तो उपसर्ग कैसे पहचानते हैं? बहुत आसान तरीका है, किसी भी शब्द के पहले वाला हम जो शब्दांश होता है, उपसर्ग एक शब्द ना हो कि शब्दांश होता है ना? तो अगर मैं मानता हूँ, इसमें ऑप्शन देखते हुए चलिए, कि उपसर्ग पहले लगते हैं तो क्या इसमें अब लिखा है? अब तो कहीं है नहीं, ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। अधि लिखा है, अधि भी नहीं है हमारे में, अभी जरूर है यहाँ पे, है ना? अब भी नहीं हो सकता, क्या होगा? अभी, क्योंकि अभी अगर उपसर्ग है तो इसको हटाने के बाद लासा एक शब्द बचता है, तो अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग। इसके बाद देखिए, पोखर का तत्सम रूप क्या है? तो हमें मालूम है कि तत्सम क्या होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम जो कहते हो प्रयोग करते हैं, ठीक है? और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव मतलब जो संस्कृत में कुछ अलग बोलते थे, धीरे धीरे उनका रूप चेंज हो गया और कुछ और बोलने लगे, है ना? जैसे कि पहले बोला जाता था बधू, अब बहु बोला जाता है ना? तो धीमे धीमे कुछ शब्दों में परिवर्तन आ गया। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आया उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो बदल गए हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तद्भव, ठीक है? तो इसमें पोखर को क्या बोलेंगे? पुष्कर, मतलब पुष्कर संस्कृत जैसा शब्द है, पोखर हिंदी जैसा शब्द है ना? जैसे बोला जाए मोर और मयूर में कौन तत्सम है? तो मयूर तत्सम है, मोर तद्भव है। तो हिंदी जैसे लगने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, और संस्कृत के समान लगने वाले शब्द तत्सम, है ना? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, है ना? आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने, एक्चुअली इसमें ये देखना पड़ता है कि बुलाने का कार्य कौन कर रहा है? डॉक्टर। तो डॉक्टर सब्जेक्ट है, मतलब करता है, वो पहले आएगा, है ना? तो डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, ये इसका सही रूप होगा। इसके बाद देखो, इह लोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इह लोक, है ना? विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। इह लोक का मतलब है परलोक, इह लोक का मतलब होता है इस लोक में, इसका अपोजिट क्या होगा? परलोक, दूसरे लोक में, है ना? अब देखो यहाँ पे लिखा है
पाताल, तो पाताल अलग हो गया है ना, आदि भी नहीं होगा उपकार भी नहीं होगा, तो वैसे दिख रहा है इहलोक का परलोक हो जाएगा। खटाई में पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब खटाई में पड़ना पर बोलते हैं कि कोई भी है ना चीज खटाई में पड़ गई तो क्या बोलते हैं, मतलब वो अटक गई। अटकने का मतलब वो काम रुक गया, जैसे कि कोई भी काम चल रहा है आपका, कंपनी बन रही है, फिर बोलेंगे उसके उद्घाटन खटाई में पड़ गया। कहने का मतलब उसमें कुछ रुकावट आ गई है, जिसे क्या बोलेंगे, लटक जाना। इसमें देखा जाए तो है ना, धोखे में आ जाना ये नहीं होगा, घबरा कर गलती करना नहीं होगा, खरा साबित होना नहीं होगा, तो क्या होगा, लटक जाना। इसके बाद देखिए, निम्न में शुद्ध का चयन कीजिए, तो सन्यासी और सन्यासी है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसके बाद दो और ये होगा, इसके बाद देखना है यहाँ पे सन्यासी और सन्यासी, तो ध्यान रखना सन्यासी कैसे लिखा जाता है, पर इतना याद रखना है कि सा के ऊपर भी एक बिंदी आती है, उसके बाद ना भी आता है आधा, ऐसा नहीं है कि आधा ना हटा के सन्यासी, सन्यासी हो जाएगी वो तो अगर ना हटाएंगे हम, और इस बिंदी को हटाएंगे तो सन्यासी, तो वो लगता है बिल्कुल सही हो। तो ध्यान रखना है सन्यासी में ऊपर भी बिंदी। अब पूछा है इस वाक्य में अशुद्धि है, किसकी अशुद्धि है, काल की है, वचन की है, लिंग की है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो देखो यहाँ पे लिखा गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब देखो जाएंगे क्या होगा, गत माह का मतलब होता है कि जो माह बीत चुका है और देखने जाएंगे, भविष्य यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, जाएंगे का मतलब है भविष्य की बात हो रही, और गत माह का मतलब होता है जो माह बीत चुका है, तो ऐसा बोलना चाहिए गत माह हम ताजमहल देखने गए थे, तो सही हो जाएगा। या फिर गत माह हटाना चाहिए कि हम आने वाले समय में ताजमहल देखने जाएंगे, है ना। तो उन्होंने माय बोला पुराना जो बीत चुका है, वो बोल रहे जाएंगे, तो यहाँ पे कैसी है, समय की अशुद्धि है, और समय को हिंदी में बोला जाता है काल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपको मालूम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अंध पुरुष, तीन पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम 11 होते हैं संख्या में, टोटल सर्वनाम अगर पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आपको लगाना है सर्वनाम की संख्या होती है 11। अगर क्वेश्चन आता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपको लगाना है सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें पूछा है पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन से होते हैं, तो मध्यम पुरुष में होता है सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में होता है तुम और आप, और अन्य पुरुष में होता है यह वह ये, तो ये दोनों जो ऊपर के हैं ये अन्य पुरुष के हैं, ये पहला लास्ट वाला है ये है उत्तम पुरुष का, और आप तुम ये कहलाते हैं मध्यम पुरुष के सर्वनाम, तो इसमें आप क्या होगा मध्यम पुरुष। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बिल्कुल बिना देखे यथा अगर आ जाता है कोई भी हो, यथाशक्ति, यथा संभव, यथा साव, ये सब के अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद मैंने बोला था कि कोई भी एक अक्षर आधा हो इसके बाद वही अक्षर पूरा आ जाए, तो इसमें हमेशा विसर्ग नहीं होके व्यंजन संधि होती है, लोगों को लगता है क्या है विसर्ग है, तो व्यंजन संधि के लिए क्या देखना है, अगर बीच में कोई भी सा आधा आ जाता है तो वो कौन सी हो जाएगी, कोई भी सा आधा है किसी शब्द के बीच में वहां पर विसर्ग होती है, लेकिन कोई दो अक्षर एक आधा आता है वही अक्षर पूरा आ जाता है, तो वहां पे हमेशा हमेशा कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, और उसको हटा के उस आधे अक्षर को हटा के क्या करेंगे हम, उसके पहले आधा ता जोड़ देते हैं, तो उज्ज्वल में उत् प्लस ज्वल, ध्यान रखना उड्डयन में उत् प्लस डयन, बहुत सारे आते हैं इसी पैटर्न पे और पूछा जाती है कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना कौन सी संधि है और कैसे उसका संधि विच्छेद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसकी सब्सक्राइब करने की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी।